एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिसमें हम देखें कितना मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन पॉसिबल है विद मिनिमम इम्पीडेंस वैल्यूज इम्पीडेंस पावर फैक्टर. सो फॉर दैट पर्पस लेट अस स्टार्ट विद द डाटा. हमें दिया है मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ सिंगल फेज 11,400 वोल्ट ट्रांसफार्मर इज 98.8% एंड ट्रांसफार्मर की रेटिंग है 500 KVA. और ये कब होती है मैक्सिमम एफिशिएंसी? जब 80% फुल लोड हो एट यूनिटी पावर फैक्टर. लेट अस लिस्ट दिस डाउन. तो हमारे पास ट्रांसफार्मर है 500 केवीए का और वोल्टेज रेटिंग के साथ 11,000 डिवाइडेड बाय 400 वोल्ट्स. और इसके साथ हमें मैक्स एफिशिएंसी जो मिल रही है दैट इज 98.8% एट कंडीशन क्या दी है? इट ऑकर्स एट 80% फुल लोड with unity power factor. Okay, this is given. और जो percentage impedance है transformer का that is 44.5%. And what is asked is कि with the load current and supply voltage held constant at rated value. जो भी load current यहाँ से secondary side से निकलेगी voltage और इससे plus सप्लाई वोल्टेज दैट इज 11,000 वोल्ट, इन दोनों को यदि हम कांस्टेंट वैल्यू पे रखें, रेटेड वैल्यू पे रखें, तो लोड पावर फैक्टर की वैल्यू निकालनी है जिस पर सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज मिनिमम हो, ड्रॉप मैक्सिमम हो. ड्रॉप मैक्सिमम, वोल्टेज मिनिमम माने वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम परमिसिबल. तो अब यहाँ हम शुरुआत करते हैं. हमारे पास एफिशिएंसी दी है, रेटिंग दी है. What is not given is losses. और drops को निकालने के लिए losses निकालना बेहद जरूरी है. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं. हमारे पास जो efficiency का formula है conventional, उसके हिसाब से output power divided by output power by losses will give us efficiency. और maximum efficiency के केस में हमारे पास जो पावर की कंडीशन है 80% फुल लोड पर यूनिटी पावर फैक्टर के साथ आ रहा है. तो जब इसमें हम वैल्यूज प्लेस करेंगे 98.8 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू वीआर कॉस फाई इज अबाउट 500 इंटू रूट थ्री और सॉरी 10 टू पावर 3 इंटू 80% लोड है. एक्स इज 0.8 इंटू यूनिटी पावर फैक्टर. सिमिलर डाटा फॉर आउटपुट पावर बिलो द इन डिनोमिनेटर दैट इज 5 × 10⁻³ इंटू 0.8 इंटू 1 प्लस जो लॉसेज हैं दे आर इन द फॉर्म पी आई प्लस पी कॉपर. यहाँ हमें ध्यान ये रखना है जब कॉपर लॉसेज हैं ये 0.8 पावर फैक्टर दैट इज एक्स इज इक्वल टू 0.8 उसकी रेशियो में ये भी चेंज होंगे. तो यहाँ जब हम सॉल्व करते हैं वॉट वी गेट इज टोटल लॉसेज as 58.3 watts. तो ये तो total losses हो गए. efficiency maximum थी तो efficiency maximum है तो power losses would be PI is equal to P copper. So PI is equal to P copper would be divided 4858.3 divided by 2 and it gives what? 2429.15 watts. तो यहाँ पर जो पी कॉपर है दिस एक्चुअल वैल्यू विल बी कमिंग आफ्टर गेटिंग द फुल रेटेड वैल्यू पर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको मल्टीप्लाई करना होगा बाय दिस फैक्टर 1/0.8. सो 2429.15 इंटू 100% जब लोडेड होता और जब 80% है इसका स्क्वायर. सो व्हाट वी गेट इज द एक्चुअल पावर कॉपर लॉसेस अदरवाइज इन द वाइंडिंग 3795.55 वॉट. तो यहां से हमारे पास दोनों लॉसेस आ गए. और जब कॉपर लॉस को बेस वैल्यू से हमें निकालना है, पीयू वैल्यू में निकालना है या परसेंटेज वैल्यू में निकालना है तो बेस क्या है? 500 KVA. तो परसेंटेज रेजिस्टेंस यहां से निकलेगा हमारे पास R2Y would be this 37 95.55
divided by base was 500 into 10 raised to power 3. अब परसेंटेज निकालना है तो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 100. सो इट गिव्स अस 0.759% रेजिस्टेंस. हमारे पास सवाल में इम्पीडेंस दिया है 4.5%, हमें रेजिस्टेंस मिला 0.759. तो इससे हम निकाल सकते हैं क्या रिएक्टेंस ऑफ द सेकेंडरी साइड वाइंडिंग रिफर्ड टू सेकेंडरी साइड रिएक्टेंस, ऐसे कह सकते हैं. तो इट वुड बी Z2 square minus R2 square, and this would be 4.5 percentage hai, so it would be 4.5 square minus 0.759 square root a. This gives us reactance as 4.435%. तो अब हमें रेगुलेशन के लिए डाटा मिल गया, दैट इज एक्स मिल गया है, आर हमारे पास है, और हमें पावर फैक्टर निकालना है, दैट पावर फैक्टर विच इज मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन. इट इज नॉट डिजायरेबल एट ऑल. ये हमें ये बता रहा है कि मिनिमम कितने पावर फैक्टर तक काम कर सकता है सिस्टम, बट दैट इज वर्स्ट कंडीशन एक्चुअली. सो कॉस फाइ टू इज गिवन बाय फॉर्मूला आर बाय जेड रिफर टू द सेकेंडरी साइड. सो आर वॉज 0.759 डिवाइडेड बाय जेड वॉज 4.5. दिस गिव्स अस द मिनिमम पावर फैक्टर गिवन एज 0.1687 लैगे. अदरवाइज वी नो एज क्लोज टू यूनिटी पावर फैक्टर इज दैट गुड इज द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम. अब वोल्टेज रेगुलेशन को हम देते हैं फॉर्मूला से, इस कंडीशन में इस पावर फैक्टर पर रेगुलेशन वैल्यू का क्या आनी चाहिए. E2 माइनस V2 अपॉन E2, एंड दिस कैन बी गिवन बाय द ड्रॉप डिफरेंस, दैट इज R2 cos phi 2 प्लस X2 sin phi 2. वी कैन पुट द वैल्यूज योर. We are given R as 0.759, cos phi is 0.1687, we are given X2 as 4.435%, and sin phi can be taken as cos inverse of this and its sine value. So from here, what we obtain is, it gives us values as 4.5 into 100. Or, usko hum kahan kar sakte hain? Equate E2. माइनस वी टू बाय E2 से, एंड दिस गिव्स अस वैल्यू एज V2 इज इक्वल टू 400 इंटू 1 माइनस 0.045, एंड दिस गिव्स अस वैल्यू एज 382 वोल्ट्स. तो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो मैक्सिमम रेंज ऑफ वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज फ्रॉम 400 टू 382, दैट इज 18 वोल्ट.